रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडल का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। मॉडल्स एंड इट्स वाइड रेंज। अब हम देखेंगे कि मॉडल्स के अलग अलग रेंजेस क्या हैं और किस तरीके से ये यूज होते हैं। स्टार्ट करते हैं एबिलिटी से। एबिलिटी जो क्षमता होता है उसमें कैन और कुड का यूज देखने को मिल जाता है। एडवाइस, अगर किसी को कोई मशवरा देता है उसमें ऑट टू और शुड का यूज देखने को मिल जाता है। नेसेसिटी, उसमें मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू का यूज देखने को मिल जाता है, क्योंकि यही मॉडल्स जो हैं ये कैन, कुड, ऑट टू, मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू, ये जितने भी मॉडल्स आपको दिख रहा है ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे परमिशन में आप देखेंगे कैन, कुड और मे। पॉसिबिलिटी में कुड, मे, माइट। प्रोहिबिशन में डायरेक्ट चीज मना जब किया जाता है उसमें मे नॉट, मस्ट नॉट और कांट और कैन नॉट यूज होता है। नेक्स्ट आपका है प्रॉमिस, जिसमें विल और शैल यूज होता है। रिक्वेस्ट, अगर किसी से हम कर रहे हैं तो उस समय वुड, कैन और कुड का यूज होता है। और विश में हम देखेंगे मे का यूज होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से इन सारे मॉडल्स को हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। जैसे पहला हम लोग देखेंगे मॉडल ऑफ एबिलिटी। कैन एंड कुड आर नोन एज मॉडल ऑफ एबिलिटी। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैन। कैन एक्सप्रेसेस समवन्स एबिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम। जो कैन होता है वो वर्तमान समय में किसी भी इंसान का या फिर किसी का भी क्षमता को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस वर्क, मतलब हमारे अंदर क्षमता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी सत्ता के बारे में बताया, सत्य के बारे में बताया था। इसमें भी चीजें हैं लेकिन इसमें अलग तरीके से हैं, रूल्स के साथ। नेक्स्ट कुड। कुड एक्सप्रेसेस समवन्स एबिलिटी इन द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में जो क्षमता थी जिसकी भी, उसको दर्शाता है कुड। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड जंप हायर। नेक्स्ट आपका आता है मॉडल ऑफ एडवाइस, जिसमें ऑट टू एंड शुड आता है। इसका मतलब चाहिए होता है। ऑट टू इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ड्यूटी। अगर ये ऑट टू आपको समझना आए तो आप प्रीवियस वीडियो में चले जाइएगा और वहां पे ऑट टू के बारे में एग्जाम्पल के साथ और सारी भी चीजें बताई गई हैं। क्योंकि ऑट टू एंड शुड जो है ये दोनों एक ही चीज है, समझिएगा। ऑट टू जो मॉडल है वो सेंस ऑफ ड्यूटी एक्सप्रेस करता है, मतलब आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य है, आपको करना ही होगा। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, ये आपका कर्तव्य है, आपको करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मॉडल ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरत की बात होती है, जरूर या चाहिए में। इसी तरीके से मस्ट और हैव टू, ये मॉडल्स ऑफ नेसेसिटी के प्रारूप में आ जाते हैं। जैसे मस्ट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एन एक्शन। जो मस्ट होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग नीड किसी एक्शन के लिए एक्सप्रेस करता है, बहुत ज्यादा, जो प्रभावशाली हो तो उस प्रभावशाली एक्शन को एक्सप्रेस करता है मस्ट। जैसे यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है हैव टू। हैव टू एक्सप्रेसेस अ नीड दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और उसके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उस समय हैव टू का यूज देखने को मिलता है। यू हैव टू गो देयर, मतलब तुम्हें वहां जाना है। अब कह दिया जाना है, मतलब जाना है, इसमें कोई ऐसा चांसेस नहीं है कि नहीं जाना है। वहां पे आप देखेंगे जहां पे स्पीकर के कंट्रोल में कुछ चीजें ना होता है, वहां पे हम हैव टू का यूज देखते हैं और हैव टू मॉडल के प्रारूप में आता है। नेक्स्ट आपका हैव गॉट टू। ये हैव गॉट टू जो मॉडल है ये इम्पोज करता है रूल और रेगुलेशन को, मतलब अगर रूल और रेगुलेशन बन गया है तो उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने से पहले आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। यू हैव गॉट टू गेट लाइसेंस बिफोर यू बिगिन टू ड्राइव, मतलब आपके पास क्या होना जरूरी है, लाइसेंस होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। कब? जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करने वाले होते हैं, तब आप लर्नर होते हैं या फिर आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। नेक्स्ट आपका आता है मॉडल ऑफ परमिशन, जहां पे हम परमिशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं। और मॉडल्स ऑफ परमिशन में कैन, कुड और मे आता है, जिसे हम लोग सत्ता के रूप में, सत्ता है, सकते थे के रूप में देख सकते हैं। कैन इनफॉर्मल वे को एक्सप्रेस करता है, जैसे कैन आई अनपैक दिस बॉक्स, कोई बॉक्स है उसे खोलने की बात हो रही है, तो वहां पे जब कैन का यूज हो रहा है तो वहां पे परमिशन पोलाइटली नहीं लिया जा रहा है ना, कोई फॉर्मल वे में नहीं लिया जा रहा है। वहां पे ऐसा कंडीशन है कि बॉक्स हमारे हाथ में है और हम अनपैक करना चाह रहे हैं और बस यूं ही आपसे हम पूछ रहे हैं, मन तो अंदर से बिल्कुल है कि हम उस पैक को खोल लें। नेक्स्ट है आपका कुड। कुड जो होता है इट एक्सप्रेसेस परमिशन इन पोलाइट वे, पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करता है। जैसे कुड आई अनपैक दिस बॉक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि कुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, इस तरीके से।
ये पोलाइट वे होता है जब हम खुद का यूज करते हैं परमिशन के दौरान। ये जो होता है ये फॉर्मल वे में परमिशन एक्सप्रेस करता है, जैसे मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई सिट, मे आई अनपैक दिस बॉक्स। मतलब यहाँ पे हम अनुमति लिए बिना कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो मी है ना, ये एकदम फॉर्मल वे है, एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट आपका आता है मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी, मे और माइट। मे जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, अगर कुछ होने वाला है तो वो होने वाला है, इसके पीछे जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, जो आशा है उम्मीद है वो बहुत ज्यादा है ना। लेकिन जो माइट है इसकी वीक पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मे का आप देख लीजिए, इट मे रेन हैविली, मतलब बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन माइट में अगर देखेंगे तो माइट वीक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, मतलब संभावनाएं माइट में कम हो जाती हैं। मीन्स इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, संभावनाओं को व्यक्त करता है ये मे और माइट। नेक्स्ट आपका है मॉडल ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब एकदम बैन है ना। कांट आप देखेंगे ये इनफॉर्मल वे होता है प्रोहिबिशन एक्सप्रेस करने का, जैसे ही कांट सी और ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता। मे नॉट जो है वो पोलाइट वे है, अगर किसी चीज को या फिर किसी व्यक्ति को मना करना हो तो पोलाइटली हम किस तरीके से बोलेंगे या कहेंगे वो इसमें देखेंगे। यू मे नॉट स्मोक इन पब्लिक एरिया, मतलब पब्लिक एरिया में तुम स्मोक नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते। कितने पोलाइट तरीके से चीजों को एक्सप्रेस किया गया है। जो मस्ट नॉट होता है नेक्स्ट, इसमें जो प्रोहिबिशन होता है, जो रुकावट होता है, जहां पे रोका जाता है, पाबंदी रहता है, वो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आता है। जैसे मैं यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल, मस्ट नॉट ब्रेक मतलब यहाँ पे कुछ लॉ है, कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशंस हैं, उस रूल और रेगुलेशन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते, वो चाहे ट्रैफिक रूल हो, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल हो, लॉ हो, उस चीज को आप ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूल, रूल जानना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है चेंज इन विल टू मस्ट और मे एंड माइट, डोंट मिस इट। अगर किसी भी फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में पक्का या जरूर लिखा हो और आपको हिंदी में अनुवाद करना हो तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ विल को मस्ट में बदल दीजिए। और इसी तरह अगर शायद लिखा हो तो विल को माइट या मे में बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, राम जाएगा, राम विल गो, और चेंजेस देखिएगा यहाँ पे, राम पक्का या जरूर जाएगा, राम मस्ट गो, मतलब राम जाएगा ही जाएगा, राम विल डेफिनेटली गो, अब उसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, शायद राम जाएगा, शायद राम जाए, राम मी और माइट गो, मतलब यहां पे क्लियर नहीं है कि वो जाएगा ही, मे बी राम विल गो है ना, शायद राम जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मॉडल्स ऑफ प्रॉमिस, वादे की बात हो रही है। शैल और विल जो होता है वो प्रॉमिस को एक्सप्रेस करता है। आई शैल ऑलवेज डू राइट थिंग्स, खुद से प्रॉमिस हो रहा है कि मैं हमेशा क्या करूंगा, सही काम करूंगा। आई विल ब्रिंग माई कॉपी डेली टू स्कूल, विद्यालय में मैं डेली कॉपी लेके आऊंगा। नेक्स्ट आपका आता है मॉडल ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में भी अलग अलग प्रकार के रिक्वेस्ट होते हैं, एक कैजुअल वे होता है, एक पोलाइट वे होता है। तो कैन, कुड और वुड का हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये क्या एक्सप्रेस करता है। कैन एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट इन अ कैजुअल वे, मतलब आकस्मिक चीजें हो गई तो उस समय कैजुअल वे में हमने रिक्वेस्ट कर लिया, मैं बोलता नहीं हूं उनसे और वो मेरे पास बैठे हैं और उनके बगल में कोई सामान है तो मैं उनसे मांग लिया, इट इज नोन एज कैजुअल। कैन यू पास मी दिस सॉल्ट प्लीज, ये कैजुअल वे है। कुड और वुड ये रिक्वेस्ट एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन इनका जो मैनर होता है वो बहुत पोलाइट होता है, बहुत विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करता है, जैसे कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। तो यहाँ पे आपको पोलाइटनेस दिख रहा होगा कि कितने पोलाइट तरीके से किसी ने किसी से नमक मांगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल्स जो है अगर ये हम जान जाते हैं तो हमारे लिए मॉडल और भी आसान हो जाएगा। इफ इन एनी सेंटेंस यूज टू इज प्रेजेंट, सो यूज टू विल नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, इट इज बेस्ट ऑप्शन टू गो विथ वुड इन प्लेस ऑफ यूज टू। मतलब अगर वाक्य में एक बार यूज टू आए तो यूज टू को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे हर बार वुड का प्रयोग बेहतर विकल्प है।
जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। आई यूज टू गेट अप एट 5। आपने देख लिया, मैंने अभी कहा कि ये जो यूज टू है, अगर सेंटेंस में एक बार आ गया तो उसको दूसरी बार यूज नहीं करना है, उसमें यूज करना है वुड का। तो आई यूज टू गेट अप एट 5, यूज टू यहां पे आया, ठीक है, मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था, फिर देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। इज दैट क्लियर? मतलब अगर सेंटेंस में यूज टू एक बार आ चुका है और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि आ रहा है, तो उस समय यूज टू का हम लोग यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग वुड का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। सी यूज टू कम, आई वुड रन, देन सी वुड कॉल मी। अब देखिए किस तरीके से यूज टू को यहाँ पे डिनाई किया गया है और यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है तो वुड को, क्योंकि यूज टू अगर एक सेंटेंस में आता है तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करते, करना नहीं चाहिए। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर यूज टू एक बार आ गया तो उसको दोबारा ना यूज करते हुए उसके जगह पे हमें वुड का प्रयोग करना चाहिए, जो कि बहुत बेहतरीन विकल्प माना जाता है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।